आज तुम्हारा बर्थडे है, सारी लाइट्स ऑफ। अंधेरा क्यों कर रखा है विक्रम सारे कमरे में? जब जिंदगी में गम के अंधेरे छा जाएं, तो उजाले रास्ते नहीं आते अंजलि। क्या मतलब? मतलब अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। मैंने तुम्हारे साथ कुछ सपने बुने थे, लेकिन तुम्हारी शादी के फेरों ने सब तार तार कर दिया। ये क्या कह रहे हो विक्रम? हाँ अंजलि, मैं सच कह रहा हूँ अंजलि। ऐसे लीव मी विक्रम। तुम्हारे बिना जिंदगी का हर हल पल सूना सा लगता है। विक्रम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। आओ अंजलि। कहाँ ले जा रहे हो? आओ अंजलि। आई लव यू अंजलि। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंजलि। और एक दूसरे का साथ जन्मों तक निभाएंगे। शादी एक कठोर बंधन है और इसे तोड़ने की कोशिश करना महापाप। क्या हुआ अंजलि? अंजलि, अंजलि मेरी भाव में समा जाओ अंजलि। मुझसे दूर बचाओ अंजलि। प्लीज अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। सुनो अंजलि, अंजलि वहाँ कहाँ जा रही है? अंजलि मेरी बात सुनो अंजलि। अंजलि दरवाजा खोलो अंजलि। क्यों अपने आप को तड़पा रही हो और मुझे भी तड़पा रही हो? अंजलि, अंजलि मेरी बात सुनो अंजलि। प्लीज अंजलि दरवाजा खोलो अंजलि। अंजलि आई लव यू अंजलि। अंजलि तुम ये क्या कर रही हो अंजलि? प्लीज अंजलि मेरी बात सुनो। प्लीज अंजलि आई लव यू। नहीं विक्रम, नहीं। समाज हमारी इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा विक्रम, नहीं। कौन सा समाज, कैसा समाज? उन सब ने तुम्हें दिया ही क्या है? एक अनपढ़ गवार पति। अंजलि, अंजलि उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो अंजलि। विक्रम तलाक लेने वाली हूँ, अभी तलाक हुआ नहीं है। अभी भी किसी और के नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में है। तोड़ दो उस मंगलसूत्र को। इतना आसान नहीं है विक्रम। इस मंगलसूत्र को तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में विक्रम। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज अंजलि, प्लीज विक्रम छोड़ो मुझे। अंजलि, मौसी, मौसी, ओ मौसी। अरे रंगीला, काहे तचल पे मचा रहे हो? अरे मौसी, ऐसा खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुनकर तुम ये सीना पुराना छोड़ के ताक दिन नाचना शुरू कर दोगी। अच्छा, क्या खुशखबरी है? अरे देखो ना, कितने सालों के बाद तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी आई है। लो। जरूर भूतनाथ भाई साहब की होगी। अरे रंगीला बेटा, जब चिट्ठी ले ही आए हो तो एक नेक काम और कर दो। जरा इसे पढ़कर भी सुना दो। अरे बाप रे, अरे काहे शर्मिंदा कर रही हो मौसी? अगर हम पढ़े लिखे होते तो साइकिल में पंचर लगाते, अरे बल्कि साइकिल में सवार होके घर घर चिट्ठी बांटते। अरे भाई, हम तीसरी जमात पास है बस। अरे चिट्ठी पढ़े के लिए तो तीसरी जमात बहुत होती है। अब ले, थोड़ी हिम्मत कर, पढ़ ले। अब नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ देना। आप तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो जैसा बना था पढ़ देते हैं। लो खोल तो लिया हूँ। प्यारी बहनिया, जय राम जी की। हाँ, जय राम जी की। आगे लिखा है, आपका खत मिला, पढ़कर लूंगे में घुस गया ससुर का चूहा। आगे पढ़ना बेटा।
पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं मौसी। जिंदगी में पहली बार चिट्ठी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो लिखा कि आपके पति को दिया हुआ वादा टांगों में चढ़ गया भुतनी का। अरे कहाँ संट बक रहे हो रंगीला। अरे जो लिखा वही तो पढ़ रहा मौसी, अगर मन चाहे तो किसी और से पढ़ा लो। हम नहीं, 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 बेटा बैठ बैठ बैठ, आगे पढ़ के सुना। ठीक है ठीक है। तो आपके पति को दिया हुआ वादा। हाँ, पति को दिया हुआ वादा मुझे याद है। पर राम नारायण का एक फोटो भेज दो लड़की की माँ को। शादी लड़की को करनी है और फोटो लड़की की माँ देखेगी। सब शहर में ऐसा ही होता है मौसी। काट खाया जहाँ नहीं काटना चाहिए था। ससुर का सब कुछ तहस नहस करने पे तुला हुआ। मैं देख रही हूँ, जब से तुम एक खत पढ़ रहे हो बहुत फुदक रहे हो। अरे मौसी, अपने रामा की शादी का खत है ना, तो हमारा मन भांगड़ा करने को कर रहा है। ओ बल्ले बल्ले, अबे निकल ले निकल ले। ओ बल्ले बल्ले, अबे निकल ले निकल ले। ओ बल्ले बल्ले, अबे निकल ले निकल ले। अबे अरे बेटा बहुत होगी, बल्ले बल्ले बैठ जा मेरे पास बैठ। हां मौसी, अब तो मैं जिंदगी भर बैठ के बात सुन सकता हूं। देख बेटा, तू तो जानता है मेरा रामा कितना भोला, कितना नादान है। वो सिर्फ शरीर से बड़ा हुआ है, दिमाग से तो अभी भी बच्चे सरीखा है। अरे मौसी, हम सब जानत हैं, सब जानत हैं। तो बेटा तू एक काम करना, उसे समझा बुझा कर उसकी शादी करवा दे। कुछ दिनों के बाद लड़की उसे खुद ही समझदार बना दे। अरे मौसी, तू चिंता बिल्कुल मत कर, बस ये समझ के रामा का शादी यूं हुआ। चट मंगनी पट ब्याह। बस एक काम करना है मौसी जी, एक कमाल का रामा का फोटो खिंचवाना है। लेकिन रामा है कहाँ? अरे होगा कहाँ, वही नदी पर। ओ ससुर का, जब देखो नदी में डुबकी लगा रहा था। रामा जरा यहाँ कर मेरी पीठ मल दो, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। रामा का हाथ कहाँ तुम्हारी पीठ पर पहुँच रहा है, ये देखो देखो कितनी दूर है। अरे बंधु, वहाँ से नहीं यहाँ आकर। ठीक है, पहले रामा डुबकी मारेगा फिर साबुन लगाएगा। ये ले साबुन। अरे भौजी, क्या हुआ? अरे तुम्हारी पीठ पे ये पंजों के निशान, जैसे किसी बिल्ली के नाखून हो। अरे भोंदू, ये बिल्ली की थोड़े है, बिल्ले के है। रामा अब तू बड़ा हो गया है, अब तू जल्दी से शादी कर ले। किससे करे? जिससे तुम्हारा मन चाहता है। रंगीले राजा से कर सकते हैं। अरे धत, वो तो मर्द है, तुझे औरत और मर्द का फर्क नहीं मालूम? मालूम है ना, हम कोई बच्चे थोड़ी है ना। अरे मर्द वो होते हैं जो मर्द होते हैं, और जिन्हें मर्दों जैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, और औरत वो होती है जिन्हें औरत जैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। हम तो रंगीले राजा को औरत के कपड़े पहना डालेंगे। और फड़क से औरत बन जाएगा। अरे तू तो भगवान से भी ज्यादा शाना है रे। अरे इतनी जल्दी तो भगवान भी औरत को मर्द और मर्द को औरत शक कभी ना बना सके रे, जितनी जल्दी तूने बना दिया। अरे भौजी, वो क्या है के खाना नहीं लाया भौजी? नहीं। क्यों? मुझे क्या पता था तुम खाना मांगोगे मुझसे। मैंने खाना नहीं खाया। तो जाओ जाके घर पे खा लो। अरे आ गई तुम। अरे तुम्हें कैसे पता चला है मेरा हाथ है? तुम्हारी हाथ के छुअन से। क्यों, रामा के छुअन और मेरी छुअन में कुछ फर्क है क्या? Are you gone mad, अंजलि? 10-12 साल पहले मरे हुए आदमी के वचन को निभाने के लिए तुम अपनी सारी जिंदगी स्पॉइल कर रही हो। वचन तो वचन होता है, चाहे वो मरे हुए आदमी को दिया गया हो या जिंदा आदमी को, चाहे 10-12 साल पहले या 10-12 मिनट पहले दिया गया हो, वचन को निभाना हर आदमी का फर्ज होता है। अरे पर बुद्धू, अपने दिए हुए वचन को निभाना फर्ज है, किसी और के नहीं। किसी और? मुझे अपने और अपने पिता में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम तुम्हारे डैडी के अफेक्शन को समझते हैं, फिर भी यार इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस अफेक्शन की भारी कीमत चुकाओ। क्या तुम अपनी सारी जिंदगी एक गाँव में गुजार दोगी? अपनी सारी जिंदगी गाँव में गुजार दूंगी? अपनी सारी लाइफ गाँव में स्पॉइल कर दूंगी? ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? देख अंजलि, तू कोको वाला पेप्सी के जमाने की लड़की है, शहर की पली बड़ी, और जहाँ तेरी शादी हो रही है वो एक गांव है, जहाँ एक गिलास पानी के लिए भी मीलों मटका सर पर रखकर चलना पड़ता है। तुम भी सच्ची यार कमाल करती हो, अब मदर इंडिया टाइप के थोड़ी ना गांव रहे, अब तो गांव बदल चुके हैं।
तुम दोनों भी गांव के किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। तेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो हम भी शादी कर लेंगे। और अगर कहीं तेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और कोई अनपढ़ गंवार तेरे पल्ले पड़ गया तो? कोई अनपढ़ गंवार क्यों, मेरा तो वो कोई राजकुमार होगा। आओ रामा आओ, तुम रही राह देख रहे थे, डुबकी लगाए। रंगीले भैया पहिया दोना मुझे चलाना है। अरे छोड़ो पहिया, अभी तुम्हारा उम्र पहिया चलाने का नहीं है। अभी कुछ हफ्तों में तुम्हारा ब्याह होने वाला है, शहर से तुम्हारे वास्ते रिश्ता आया है। अच्छा, तब तो बहुत मजा आएगा। कैसा मजा है? घोड़े पे चढ़ के झूलने का मजा, बाजा बजाने का मजा, और रंगीले भैया मैं शादी में इतना नाचूंगा नाचता ही रहूंगा। अबे बुड़बक रामा, दूल्हा थोड़ी नाचत है, अबे वो तो घोड़ी पे आराम से बैठत है और अपनी ताकत बचा के रखत है। ताकत बचा के रखना है किस वास्ते? सुहाग रात के वास्ते। सुहाग रात को दंगल होता है, जो ताकत बचा के रखना है। वारे भगवान, तुम्हारी लीला भी अपरंपार है। अरे जिसको देना चाहिए ना ही दे दो, और जिसको नहीं देना चाहिए थप्पर फाड़ के दे दो। खैर चलो। कहाँ? अरे चलो, तुम्हारी कुछ फोटो खिंचवाना है, फिर देखो हम तुमको कैसा रंगीला का आमिर खान बनाता हूँ। ओह वाव, अमेजिंग, ही इज टू गुड यार। हाय, क्या सेक्सी ढिंचाक लड़का है, इसे देखकर तो दिल करता है। क्या करता है दिल? कि दूर पहाड़ों पर एक कमरा हो। हाय, दूर पहाड़ों पर एक कमरा, फिर हल्की हल्की सर्दी का मौसम हो, किनमिन बूंदा पांदी हो रही हो। हाय, बरसात, सर्दी, फिर ऐसे में ये टॉल, डार्क और हैंडसम आता है और तुझे अपनी बाहों में भर लिया। बेशर्म, कुछ तो शर्म कर, वो तेरी फ्रेंड का होने वाला पति है। ए अंजलि, इसका कोई छोटा बड़ा भाई, कोई जेरोक्स कबारा हो तो उससे हमारा भी चक्कर चलवा देना। सॉरी, बैड लक, इस कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और वो है हमारे लिए। चलो हम इसी से तसल्ली कर लेंगे कि हम उसकी सालियां हैं, आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। हाँ, एक बार नाता जोड़ कर तो देखो, तुम सारी की सारी सालियों को मार मार के कालियाना बना दिया, तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। ए अंजलि, तू तो इस पे सेंटी हो गई यार, हम तो मजाक कर रहे थे, वैसे चीज तो है मारने वाली। एक्चुअली अंजलि को इससे फर्स्ट साइट लव हो गया है। फर्स्ट साइट लव नहीं, फर्स्ट फोटो साइट लव हो गया है। रामा भैया, गंगा मौसी के घर चिड़िया ने घोंसला बनाया है। अच्छा चले देखने। माई, हम लोग गंगा मौसी के घर में चिड़िया घोंसला देखने जा रहे हैं, चल मुनिया। चल। देखा भगवान जी, देखा आपने, इसे चिड़िया का घोंसला देखने की पड़ी है और मैं इस चिंता में मरी जा रही हूँ कि इसका घोंसला कैसे बने। हाँ भगवान जी, मैं तो बताना भूल ही गई, शहर से चिट्ठी आई है, लड़की वालों को रामा की फोटो बहुत पसंद आई, बस प्रभु जी मेरे रामा की शादी करवा दो तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। प्रभु जी, मैंने साधु संतों के मुंह से सुना है कि नारी में बहुत शक्ति हुई है। भगवान जी, अगर सावित्री अपने पति को यमराज के बंधन से मुक्त करवा सकती है तो क्या मेरी बहू मेरे रामा को इस लायक नहीं बना सकती कि वो समाज में इज्जत से जिए? मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कर लेगी। बस प्रभु, अब आप जल्दी से मेरे रामा की शादी करवा दो, फिर देखना वो क्या से क्या बन जाता है। भगवान जी, बस अब मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं पूरे 11.25 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगी, वो भी मोती चूर के। आगे रंगीला बेटा। हाँ मौसी, आप हमको याद किया। हाँ, वो कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बात है मौसी, कोई खुफिया बात है? हाँ, वो रामा बेटी की शादी के लिए लड़की वालों ने हाँ कर दी है। अरे मौसी, ये तो खुशी का बात है, इसमें खुशबू क्या कर रहे हैं? अरे ये तो जोर जोर से ढिंढोरा पीटने वाली बात है। है तो बात ढिंढोरा पीटे की, पर अभी नहीं, शादी के बाद। देख, तू तो जानता है मेरा रामा कितना भोला है, क्या पता कोई ब्याह कटवा अपनी टांग अड़ा उसकी शादी रुकवा दे। हाँ ठीक है मौसी, किसी को नहीं बताना। हाँ। लेकिन मौसी, हम आपसे 5 सेर मिठाई और 1 जोड़ा कपड़ा लेंगे। हाँ। अरे 5 सेर का, मैं तुझे 10 सेर दूंगी। देखो मौसी, अरे कहा है, भगवान देखा रंगीला, इसकी शादी होने वाली है और ई है इसकी अकल। अरे मन कड़वा नहीं करते मौसी, ऐसा होता है। वो कहा है मौसी कि भगवान जब अकल बांट रहा होता है ना, तो कुछ लोग अपना राशन कार्ड ले जाना भूल जाते हैं।
अपना रामा भी उन्हीं में से एक है। पर बेटा मैंने तुझे आज इसलिए बुलाया है कि रामा को औरत और मर्द के रिश्ते की कुछ समझ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तू उसे समझाए सिखाए ताकि वो अपने गृहस्थ धर्म को अच्छे से निभा सके। अरे का पता मौसी कि उसको सब मालूम हो और हमको ही नहीं मालूम हो कि उसको सब मालूम। देखा, इसकी शादी होने वाली है और ये है इसकी अकल। मौसी पिक्चर एकदम साफ है, रामा को अपना गृहस्थ जीवन भली भांति निभाने के लिए ट्रेनिंग का सख्त जरूरत है। इस सबको सही अनुपात में लाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है डेली 2 घंटे टफ एक्सरसाइज और हाँ डाइट में जूसेस और सैलड। इतना सब कुछ करना पड़ेगा? हाँ। अरे इतना सब कुछ करेगी तभी पति के दिल दिल और दिमाग का मटिया मेट होगा। तभी तो पति पहली बार में चूहा बनकर तुम्हारे चरण कमलों में गिर जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, नंबर एक, सबसे पहले अपना लुगाई का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लेना। वो शर्माएगी, नखरे दिखाएगी, कहेगी हाथ छोड़ो सैया, लेकिन तुम हाथ नहीं छोड़ना, समझे? नंबर दो, उसको जबरदस्ती उसका हाथ खींच के अपने पास बिठाए लेना। और अब और अभी नहीं, पहले इतना करके बताओ फिर और बताएंगे, ठीक है? देखो हम तुम्हारी लुगाई बनत है, तुम हमारे साथ वैसे ही करो जैसा हमने बताया तो हम तुम्हारी लुगाई हैं। नंबर एक आप बैठ जा। नहीं नहीं हाथ छोड़ो ना सैया, सैया छोड़ो ना भैया। ऐसे कैसे छोड़ दे सैया भैया, हम भी अपने गांव के कबड्डी के कप्तान हैं। बैठ जा। अरे नहीं कोई देख लेगा ना। कोई क्या, आज तो सारा गांव देखेगा हमारा धोबी बचा। हम जीत गए। अंजलि, अरे अंजलि कहाँ हो भाई? आई पापा। क्या है पापा? अरे बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम लोगों की फिल्म का ट्रायल है। पापा मुझे नहीं देखना आपकी हॉरर फिल्म, मुझे बहुत डर लगता है, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं। अरे बेटा ये फिल्म डरावनी नहीं है, ये लव स्टोरी है, लव स्टोरी। पहली बार मैंने लव स्टोरी बनाई है, तू ये फिल्म देखेगी ना तो अपने बाप के ऊपर नाज करेगी नाज। हाँ अच्छा पापा फिर तो मैं जरूर चलूंगी। क्या नाम है आपकी फिल्म का? कहो ना भूत है। और तुझे पता है इस फिल्म में अनलकी अली का गाना भी है। ओह नो, फिर वही भूतों की लव स्टोरी, मुझे नहीं देखनी। अरे भाई कमाल है, कभी कहती है देखूंगी कभी कहती है नहीं देखूंगी। देख एक बार फिर सोच ले, इसमें ना भूत भूतनी का एक बहुत ही बढ़िया ड्यूट सॉन्ग है। हाँ। नहीं उफ, अब तुम क्या खड़े हो, चलो ना हम अपनी पिक्चर के ट्रायल के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा बेटी अपना ख्याल रखना, खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना, काली और खोपड़ी भी ट्रायल पे जा रहे हैं। हाँ हाँ ध्यान रखना, आजकल भूत प्रेत आसपास घूमते रहते हैं। हाँ। उफ चलो ना, अरे तुम लोग भी चलो ना, क्या खड़े खड़े हंस रहे हो। देखा अपने पापा को, हर वक्त भूत प्रेत, इनका बस चले तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब भूतों के साथ करें। ओ माय गॉड, मैं तो दरवाजा बंद करना भूल ही गई, अभी आती हूँ। अरे आप यहाँ? आना पड़ा। इतनी रात गए क्यों, नींद नहीं आ रही थी क्या? नींद तो इस रात की स्याही में खो गई है। सोने की कोशिश तो करते हैं कि, लेकिन ये कमबख्त रात सोने नहीं देती, कान में कुछ कहकर बेकरार कर देती है। क्या कहकर बेकरार करती है? क्यों तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं कुछ कहती जी रात? क्या? यही के हम एक हो जाएं। है साजना,
बात है साजना, समझो न नजरों की बात ये क्या कह रही, ओ ये कह रही प्यासे रहना जज्बा, कुछ कह रही दीवाना बना दोगे। ऐसी दीवानगी तारा रा 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 देखी कहीं नहीं तारा रा 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 मैंने किस लिए जाने जाना दीवाना मेरा ना। बहुत झक्कास चीज है अपुन, भिखारी खालिस हिंदुस्तानी, मगर खोपड़ी के अंदर जो मगज है ना मगज, बिल्कुल जापानी है, मारुति सुजुकी के माफिक। ए पंकज उदास, अरे काय को होता है रे उदास, क्या कमाल का गाना गाता है बाप। चल चल गाना सुना, सुनाना गाना नहीं सुनाने का है, चल कोई बात नहीं अपन सुनाता है, अपन सुनाता है, है? जाने वालो जरा मुड़ के देखो हमें,
एक इंसान हूँ। ए साहेब, ए मेम साहेब, अल्लाह के नाम पे, अरे मौला के नाम पे कुछ तो दे दे, किसी के नाम पे दे दे, दे दे कुछ तो दे दे। ए मेम साहेब, मेम साहब सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा है, अरे किसी के नाम से तो कुछ दे दे। ए साले नंगे कुत्रे, भैंस के अंडे, चिंचपोकली के चूहे, हैं? साला महालक्ष्मी का मंदिर के सामने नंगा करके भीख मांग मांगो तेरे को। सुन बे, तेरे ऊपर जितना पैसा मैं लगाया ना, जितना पैसा मैं लगाया वो सब वसूल करेगा भीखू लंगड़ा, समझा तू? हे भीखू लंगड़े, चिल्लर के माफी कटोरे में रह के जात सेवा नहीं करने का, वरना अपन भी दमड़ी खा सकता क्या? अरे सुनो 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 भाई लोग सुनो, अरे कैसे तेवर हो गए इसके, कैसा खड़ा होता था साला महालक्ष्मी मंदिर के बाहर, अनाथ बेसहारा भूखा नंगा, इतना दुबला कि साला मच्छर भी लात मारे तो गिर पड़े, और मैं भीखू भिखारी, साला भीख मांग मांग के इसको बड़ा किया, अपना हाथ अपना मुंह सड़ा लिया, साले को स्टाइल दिया, इतना बड़ा झोपड़े में ठहराया, और साला अपुन को राग पट्टी देता है तू? ए बंद कर अपना ऑर्केस्ट्रा, क्या अपुन भी टेंशन में आ रहा है क्या? ए अपुन फिल्म वाले की छोकरी से शादी करके ना तेरी पाई पाई चुका देगा। ए तू नकली बाप है ना मेरा, करोड़ों में खेलेगा करोड़ों में, ठीक है? तेरे पास भी ना लोहे की कार होगी, लोहे की। अबे लोहे की कार तो तब होगी भैंस के अंडे, जब तू ये दो नंबर की लौंडिया को पीछा छोड़ के उस सेठ के एक नंबर की लौंडिया को पटाएगा। अरे टाइम आएगा ना यार, तू समझता क्यों नहीं है? हैं? टाइम आएगा। अब ऐसा तो नहीं है लौंडिया को इधर से पत्थर मारूंगा और वो मेरे पास खींची चली आएगी, अभी तो मैंने पटाया है, दाना डाला है, सेटिंग हुई है, दोस्ती हुई है, शादी भी हो जाएगी। अबे जो भी करने का है ना ताबड़तोब कर, नहीं करेगा ना तो मेरा वो साला भीख मांगने का कटोरा है ना वो भी बिक जाएगा। अब जल्दी उससे शादी कर तू, नहीं तो खड़े रहेंगे अपन दोनों महालक्ष्मी मंदिर के बाहर हाथ पे कटोरा लेकर, ए बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, ए बाबा मौला के नाम पे दे दे। ए बाप, एक बात बोलूं? हाँ बोल। जब तू मुझे डांटता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कैसे जैसे तू भीख मांग रहा है। ए, ए, ए। और रमझिम भौजी कब आ रहे हैं तुम्हारे वो? मुझे तो पता नहीं, लगता है शहर जाके मुझे भूल गए हैं। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, जरूर कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? रामा, अरे रे रे रे, कितनी भारी है। भारी मैं नहीं, मटकी इतनी भारी थी कि मेरी कमर लचक गई। भारी तेरी मटकी नहीं तुम हो। हाय मेरा घुटना, रामा इतनी भारी मटकी मैं कैसे उठाऊंगी, इसे घर पे छोड़ दो ना, छोड़ दो ना रामा। हाँ देवर जी छोड़ाओ। हाँ हाँ छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें अपनी बेरी के बेर देने पड़ेंगे मुझे। यहाँ रख दो रामा। मेरी कमर, कमर बल खा गई है। हाँ। मैं ठीक कर दूं? मालिश करके? नहीं कूद के, माँ कहती है उल्टा पैदा हुआ बच्चा अगर कमर पे 7 बार कूदे तो कमर ठीक हो जाती है, मैं भी उल्टा पैदा हुआ था। ये बल कूदने से नहीं जाने वाला, मालिश तो करनी ही पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी, कैरी और बेर जो लेने हैं, कहाँ है तेल? वो रहा। घूमो उधर, तुम्हें पता है कल जब मैं पतंग उड़ा रहा था ना? ओहो रामा तुम्हें अकल कब आएगी, भगवान तुम्हारे पास एक जवान खूबसूरत भरी पूरी औरत पड़ी है और तुम आओ ना कुश्ती लड़ते हैं। ये बात है। पीठ लगा दी। आप मुझे छोड़ दो। अरे कोई शर्म किया है कि नहीं कि सब बेच खाई है हरामखोर। मैं जीत गया। अरे चल दफा हो जाए यहाँ से। चाची मैंने इसकी पीठ लगा दी, मेरी कैरी दो ना मुझे। मैंने तुझे कहा तो दफा हो जाए यहाँ से। तू जाता है कि नहीं?
और तुझे इतनी आग लगी है ना, तो जाकर किसी नदी में डूब मर। अरे खसम चार पैसे कमाने शहर क्या चला गया? अरे आग लगे ऐसे पैसे को जो जलते बदन पर एक बूंद भी प्यार की नहीं टपका सकता। तो जाकर डूब मर किसी कुएं में, तेरे जलते बदन की सारी आग ठंडी हो जाएगी। मगर खबरदार उस बच्चे को अपना ये गंदा खेल दिखाया तो, समझी? अरे उसे बहन जितने मोटे मोटे कीड़े पड़े उसको, उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो मांगे तो क्या, खरीदने पर भी उसे मौत ना मिले। अरे रे रामा बेटा, किस पे जुबान से इतना कीचड़ फेंक रहे हो? रिम जिम की सास को दिल करता है उसका सर फोड़ दूं। नहीं नहीं बेटा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देख कितना कमजोर हो गया तू। रंगीले भैया, रंगीले भैया, अगर कोई तुमसे ये कहे कि मेरी मटकी घर तक छोड़ दो तो तुझे बेर दूंगी, और उसके बाद फिर ये कहे कि मुझे कुश्ती में पछाड़ दो तो मैं तुझे कैरी दूंगी, और इतना करने के बाद भी अगर अंगूठा दिखा दे फिर आप क्या करोगे? गुस्सा तो आएगा ना? अरे बहुत गुस्सा आएगा बाबूआ। सुना, अगर तुम्हारी जगह हम होंगे ना तो हमारा तो गुस्सा के मारे टायर का ट्यूब फट जाएगा। लेकिन एक बात बताओ बाबूआ, तुम्हारी बात से ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसका बात कर रहे हो, रिमझिम का क्या उसके सास का? रिमझिम का? अरे लेकिन तुम गुस्से में तो उसकी सास के साइकिल के टायर में कील ठोक रहे हो। रंगीले भैया, सब कुछ हो गया था। रिमझिम जो है वो तो मुझे बेर और कैरी देने को आतुर थी, लेकिन उसकी सास ने आकर पूरा चौपट कर दिया। अच्छा, तो वो रिमझिम के साथ कुश्ती का शर्त लगाए थे? हाँ। ए माई, मुझे भूख लगी है, मैं घर जा रहा हूँ। सुना मौसी, कुछ समझा कि नहीं? मैं तो सब समझ गई, पर ऊ नासपीटा कब समझेगा? रामा, ओ रामा। हाँ माई। हाँ माई। चुटकी चल तू ऊपर जा, मुझे तेरे भाई से जरूरी बात करनी है। माई मुझे भी सुननी है जरूरी बात। ओहो अच्छा सुन, मैं तुझे पैसे देती हूँ, बनिए के पास से गुड ले आ, जा। ये ले पकड़, अपने लिए लड्डू भी ले आ। अच्छा माई अभी लाई। माई माई मुझे भी पैसे दो ना लड्डू खाने के लिए। मुंह बंद कर और मेरी बात कान खोल कर सुन, अगर मैंने तुझे आज के बाद रिमझिम के आसपास भी देखा ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा? रिमझिम भौजी के पास हम नहीं गए थे, वो खुद आई थी हमारे पास और कहने लगी। बस बस अब मुझे पूरी कहानी मत सुना, मुझे सब पता है। और हाँ, जो मैंने तुझे अभी अभी बात समझाई है वो याद रखेगा ना? हाँ माई, अब पैसे दो ना मुझे लड्डू खाने हैं। पैसे बाद में मिलेंगे, पहले ये बता क्या याद रखेगा? यही के तुम मेरी टांग तोड़ दोगी। क्यों? क्योंकि मैंने किसी औरत की मटकी उठाई, जहाँ किसी औरत की मदद की, चाहे मुझे वो कुछ भी खाने को दे। अब माई पैसे दो ना मुझे लड्डू खाने हैं। माई माई मुझे पैसे दो ना लड्डू खाने। अच्छा, के लिए अच्छा, ये ले। हाँ भाई मैं जाता हूँ। हाँ, ठीक है। जिस पर बाप का साया ना हो तो समझ में नहीं आता उस जवान बेटे को कैसे समझाऊं। हे भगवान, अब तो तू ही इसका रखवाला है। ओ विक्रम, विक्रम, I'm in love यार, I'm in love। बहुत बहुत खूबसूरत है वो। अरे नाम क्या है? सबसे पहला इनविटेशन कार्ड तुम्हें ही आएगा, पढ़ लेना। अरे पर समझा करो यार, भारतीय नारी अपने पति का नाम नहीं लेती। और पति के सामने तो कभी नहीं। अंजलि मैं अभी पूछ लेता हूँ, बस तुम मेरे सिर्फ तीन सवालों को जवाब दे दो। ओके, प्रोग्राम तीन सवाल, चलो पूछो। गोरा दिखता है काला? ना गोरा ना काला, गोरों में खड़ा हो तो काला दिखता है, कालों में खड़ा हो तो गोरा दिखता है। यानी कि गेहुआ रंग है? अरे बाप, गेहुआ रंग तो अपुन का भी है। अच्छा अंजलि, उसकी हाइट क्या होगी, मतलब लंबा है या नाटा? ना लंबा है ना नाटा, लंबो में खड़ा हो तो नाटा दिखता है, नाटो में खड़ा हो तो लंबा दिखता है। अपुन भी तो ऐसा ही है बाप। अंजलि वो कपड़े किस फैशन के पहनता है? बहुत बहुत स्टाइलिश है वो, जो भी कपड़े यानी कि जो कपड़े पहनता है उसी का फैशन चलता है, जो फैशन चलता है उसी तरह के कपड़े पहनता है। अपुन भी तो स्टाइलिश है बाप, जो भी फैशन चलता है वही कपड़े पहनता है। लगता है साली अपुन के कान में रस टपका रे लिए। पर अंजलि उसका नाम तो बताओ। नाम है उसका विक्रम, पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही, बातें कर गई खास खास, निकल ली फास्ट फास्ट। जर्मनी खोपड़ी ये खुशखबरी सुनेगी तो। अरे तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। अरे क्या रे, काय को चिल्लर के माफिक दांत दिखा रहे ला तो? तू
तू मेरी शादी की खुशी मना रहा है या महालक्ष्मी के आगे गाना गा के भीख मांग रहा है? तेरे दोनों स्टाइल एक साथ है। अरे एक स्टाइल किधर है? उधर अपुन के हाथ में कटोरा था, इधर साला अपुन के हाथ में नौटंकी का गिलास है। मजा आ गया। ए सुन, अपुन तेरे को एक बात बोलता है। बैठ 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 बैठ। अरे बैठ ना। हाँ हाँ, आराम से। हाँ आराम से। देख सुन, अभी ज्यादा इधर उधर तीन पांच नहीं करने का। अभी सुम में शादी बना डाल। वो तो अपन बना डालेगा, लेकिन एक बात बोलूं बाप। हाँ बोल। लड़की का बाप ना बहुत रईस है। हाँ। और लड़की का बैंक बैलेंस भी बहुत सॉलिड है बाप। अपुन को तो लौंडिया का बाप का रोकड़ा चाहिए क्या? रामा, ओ रामा, क्या बात है माई? रामा देख बेटा, कल घर में शहर से मेहमान आने वाले हैं, तो तू घर की साफ सफाई सजावट में मेरी मदद कर। वही तो बाहर कर रहे थे माई। अच्छा। हाँ। सब काम ठीक से करना, और देख चुटकी, तू भी भाई की मदद कर। हाँ माई। जाओ और ठीक से काम करो सारे। हे प्रभु, लगता है मेरे बेटे को धीरे धीरे अकल आ रही है। जमाना तो है नौकर बीवी का, जमाना तो है नौकर बीवी। क्या करते हो? सो जा चुपचाप। काली, आज मुझे तेरी सख्त जरूरत है। मुझे मत तड़पा यार। देख, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। आज चाहे पांव पकड़ो चाहे माथा रगड़ो, मैं तुम्हारे बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली। चुपचाप भगवान का नाम जपो और सो जाओ। अरे ऐसे मैं भगवान का नहीं, बीवी का नाम जपा जाता है, और मैं तो दिन रात एक ही नाम जपता हूँ। काली काली मेरी, काली मेरी, काली मेरी बाहों में आजा, मेरी घरवाली दोनों मिलकर गाएं प्यार की कवाली। ऐ मेरी सोहरा जब भी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां। ऐसे जवां होते हैं, बूढ़ों से भी गए गुजरे हो। आशिको आशिकी बहुत दूर है, जितनी ऊंची खजूर है, चढ़ोगे तो खाओगे, गिरोगे तो हड्डी पसली तोड़वाओगे। अच्छा है। वा, 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 वा। अरे अरे, हमारी जिंदगी में ऐसा दाद कोई नहीं दिए रहा। अच्छा है। हाँ हूँ, बीमार हो रखा का भौजी से कुछ तातड़ी भाई। अरे का बतावे अब राम खिलावन भैया, अरे दिल तो करता है कि जहर खाकर खुदकुशी कर लो। बस भैया, अरे ऐसन मायूसी का कारण का है, वजह का है? कसम खाओ के कौनों से नहीं बताओगे? अरे कोई से नहीं कहेंगे। तो भैया हम जाता हूँ रात को बातचीत करने। हाँ। और क्या होता है? न बात होती है न चित होती है। बचपन की हुई गलतियों की वजह से सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और हमका एक लात मारती है और खुद करवट बदल कर चुत होकर सो जाती है। बस इतनी सी बात? अरे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया से सुनी इतनी सी बात? अरे हमरे चकाचक पान का सामने तो बस इतनी ही बात है ना भैया। इधर चकाचक पान खाओ और रंग जमाओ। अरे भैया कहीं पान माऊ तो नहीं ऊ का कहते हैं अमेरिकन वाइग्रा। राम 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 राम। अरे हमरे चकाचक पान का सामने व्याग्रा घाघरा पहन के आगरा भाग जात है। अच्छा। अरे राम खिलावन भैया, ई लो तोहर चकाचक पान का पैसा। अरे नहीं 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 नहीं, तुम हमार दर्दयाद हो और हमार पड़ोसी हो, अब हम तुमसे पैसा लेंगे का? तो ठीक है, सुना दो एक शेरवा। इला सुना सुना। अरे चट मंगनी और पट ब्याह, बस एक बार हमारी लड़की आपके लड़के को देख ले बस। कहाँ है रामा, उसे कॉल तो कीजिए। आपके वहाँ शहर में लड़के को काला करने का रिवाज है का? हमारे यहाँ तो पीला करे हैं। उबटन लगा। नहीं 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 बहन जी, बहन जी, इनका कहने का मतलब ये है कि रामा को बुलाइए। रंगीला बेटा।
अरे आ रहे हैं मौसी, आ रहे हैं, एक मिनट। चले रंगीला भैया लड़की देखने। अरे पहले अंगूठा निकालो मुंह से और एक बात कान खोल कर सुन लो, वहाँ जाकर तुम इशारे में बात करोगे और मुंह नहीं खोलोगे, समझे? क्यों? अरे ऐसा रिवाज है, अगर मुंह खोलो और बात करो ना तो शादी टूट जाता है, समझे? ठीक है, मुंह नहीं खोलना। एक मिनट पीछे बताओ, चलो जैसा हम बोले हैं वैसा ही करना, समझे? मुंह नहीं खोलना, सामने देखो। चलो बेटा पांव छुओ। अरे बस बस, जीते रहो जीते रहो। अरे वहां नहीं, वहां नहीं भाई, वहां नहीं बात। रामा बेटा तुम कहां तक पढ़े हो? वो कहा है साहिब कि शादी का खुशी में रामा ने मौन व्रत रखा है, ये जो भी बोलेगा इशारा में बोलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो आप बताओ कि तुम कहाँ तक पढ़े हो? साहिब जब भी इनसे कोई पढ़ाई का बात पूछता है ना तो ये हंस देते हैं, क्योंकि ये इतना पढ़े हैं कि पागल हो गए हैं। ये जो तीन उंगली बता रहे हैं ना, तीन बार एमए किए हैं। ट्रिपल एमए? जी जी। ओह माय गॉड, गुड गुड गुड। रामा बेटा तुम काम क्या करते हो? अब हम समझाता हूँ, इनका कहना यह है कि बेरोजगारी का दरिया मा अजी नौकरी नाम का मछली पकड़ना बहुत दमखम का काम है, फिर भी ये वो नौकरी पे निशाना लगात रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा वैसे मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि देर सवेर कामयाबी तो मिल ही जाती है। तुम्हें याद है मेरी फिल्म चुड़ैलों का हनीमून में मुझे कितनी अड़चने आई थी? पापा। I'm sorry, 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 बेटा। क्यों जी? बच्चों को आपस में बात करने देते हैं, हम लोग चलते हैं। चलो रंगीला। अरे कमाल करते हो मौसी, अगर हम चले जाएंगे तो इनका इशारा बेबी को कौन समझाएगा? तो ठीक से समझाइयो। अरे चिंता मत करो मौसी, हम हूँ ना। चलो बातें करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? वो कहा गया कि आप बहुत खूबसूरत हैं, इसका मतलब ये है, और जिस तरह खूबसूरती को देखते हुए सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, इसने अंगूठा दबा लिया है, वैसे इसको आप बहुत पसंद है। ये मुझे भी बहुत पसंद है। ये क्या? इसका मतलब ये है कि शादी होने के बाद सुहाग रात में ये आपको बाहों में जकड़ लेगा। शर्मा गई, शर्मा गई। आप तो यही परेशान होते रहते। अरे मेरा बच्चा, कैसा लगा लड़का? अरे जब लड़की शर्माए के मुस्कुराए दे तो समझिए कि शादी के लिए हाँ है। तो ठीक है भाई, अगर लड़का लड़की राजी तो हमें क्या एतराज है? हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है। बस वो क्या है कि घर जरा मूली है। मूली नहीं, मामूली। ओ, हाँ मेरा मतलब मामूली है। लेकिन फिर क्या हो गया जी? शादी से पहले मैं भी एक मूली आदमी, मामूली। हाँ मामूली आदमी था। वो तो मेरी फिल्म भूत वाले भूतनिया ले जाएंगे चल गई, और मैं आज बहन जी हमें रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, तो फिर देखे शुरू करता हूँ मैं जश्न का तैयार।
माई हम तो आपके साथ सोएगा। अरे शादी के बाद माई के साथ नहीं लुगाई के साथ सोए जा। पर क्यों? अरे बेटा आज तेरी सुहाग रात है ना, चल जाओ ऊपर। सुहाग रात है? हाँ। हाँ, रंगीले भैया ने भी मुझे पूरी ट्रेनिंग दी थी सुहाग रात की। अच्छा माई हा? मैं चलता हूँ। जा शाबाश। आज भी आपका मौन व्रत है क्या? पर मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, यही ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लोगों को तो दांतों तरह उंगलियां दबानी पड़ती हैं और आपको अंगूठा दबाना पड़ रहा है। तुमको मालूम है हम भी अपने गांव के कबड्डी के कप्तान हैं। आज हम तुमको जो है ना धोबी पछाड़ बताएंगे। हाँ ए, ओ, पीट लगी पीट लगी पीट लगी पीट लगी पीट लगी पीट लगी। हमने सुहागरात मना ली सुहागरात मना ली सुहागरात मना ली। ऐसी सुहागरात मनाई जाती है? हाँ, हमको रंगीले भैया ने बताया था सुहागरात ऐसे ही मनाई जाती है। मैं तुम्हें बताती हूँ सुहागरात कैसे मनाई जाती है। छी, थूक लगा दिया। ऐसी होती है सुहागरात? छी, गंदी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं माई के पास जाकर सोऊंगा। मैं पहले भी माई के पास सोता था, मैं तुम्हारे पास नहीं सोऊंगा। छी, गंदी है तू, गंदी है तू। जय राम जी की, राम किलावन भैया। अरे जय राम जी की खोपड़ी भैया, खैरियत तो है? एकदम, लो मिठाई खाओ। मिठाई का तोहरे यहाँ बिटवा हुई गवा का? वो भी हो जाएगा, खुशी में नहीं है। तो कौन है खुशी में है भैया? अरे अंजलि बेबी का शादी हो गई। यानी कि अंजलि बिटिया का ब्याह हो गया और हम पड़ोसियन के कानों कान तक खबर नहीं भाई। अरे हमका भी कहा पता चला, वो तो कहा है कि साहब जो हैं हाँ। लड़की लेके लड़का देखने गए और अच्छा? शादी कर दिए। हाँ। तो बड़ी खुशी की बात है भैया। एक एक हाथ है चट मंगनी और पट दिया। अच्छा भैया हम जरा राशन वालों को मिठाई खिला के आता हूँ। दिन दिन तक, दिन दिन तक। एक 555 का पैकेट देना। हाँ हाँ हाँ। अरे विक्की बाबू। अरे खोपड़ी कैसे हो? लो मिठाई खाओ। किस खुशी का? अरे अंजलि बेबी की शादी हो गई ना। अंजलि की शादी? अरे किस सोच में डूब गए, लो लो खाओ ना। हड़काले हड़काले कुतरे, एक हाथी को जितना बड़ा पाप किया रे तूने, एक भिखारी की जिंदगी भर की भीख की तूने वाट लगा डाली। साला मरेगा ना तो खुजली वाले कुत्ते की तरह मरेगा तू। तेरी हड्डियां सड़ जाएंगी, तेरा मुंह जल जाएगा, तेरे बाल गिर जाएंगे, टकला हो जाएगा साला तू। अबे कटोरे चुप कर चुप कर, अगर तेरी बद्दुआ खत्म हो गई हो ना तो थोड़े सांस ले ले। अभी कहां से बद्दुआएं खत्म हो गई? बद्दुआएं बाकी हैं, बद्दुआएं हैं, बद्दुआ 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 बद्दुआ। अब तो तू अपना डायल टोन बंद कर, हैं? अपुन भी अपने अकल के घोड़े दौड़ा रहे ले। अरे अभी कौन से घोड़े दौड़ाएगा, घुड़दौड़ तो खत्म हो गई, पंडित ने शादी के मंत्र भी पढ़ डाले। इस पंडित के मंत्रों का तोड़ा है महापंडित महामंत्र। तू क्या बोल रहे ला? तेरी समझ में आ रहा है महापंडित महामंत्र क्या है? महापंडित मतलब अदालत का जज और महामंत्र तलाक डिवोर्स। अब जो भी फूकने का है ना जल्दी फूक डाल, अब उनके पास टाइम नहीं है, पहाड़ा चढ़ेला है,
बिजली का, सारा फुलतरू का, इस झोपड़े का। ए, ज्यादा बुनबुन मत कर, हैं? 500 की पत्ती निकाल। हैं? क्यों निकालो रे? तेरी माँ का श्राद्ध है क्या? ए, अपने को खर्चा चाहिए ना दारू वारू का यार। ए, तेरे को एक बात बोल देता अपुन, अपुन जब अच्छा है ना तो इतना अच्छा है कि अपने आंग में से कमीज निकाल के दे सकता है, और अगर अपन कभी बुरा हुआ ना तो तेरा पतलून में से चट्टी निकाल लेगा। देख बापू, रेडियो में अनाउंस मत कर, सबको पता चल जाएगा तू चड्डी चोर है। ले। ये क्या चिल्लर? अबे भीख में चिल्लर मिलेगा तो चिल्लर दूंगा ना, कल्लू यादव आता के नोट देने के लिए। क्या सोचा रहा तूने इस फिल्म वाले खिलौंडिया का? तू देखता जा बापू, उसको एक बार शहर तो आने दे। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, 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 चलो चल घोड़े, चलो चल, अब मेरी बारी है, चल घोड़ी बन, मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा, चल घोड़ी बन, कहाँ हो भाऊजी? कैसे गुजरी रात? अरे खूब गुजरी होगी, आखिर हमारा रामा भी कबड्डी का कप्तान है। अरे ये तो सिर्फ कबड्डी का ही कप्तान है, गृहस्थी की कबड्डी क्या होती है ये क्या जाने, रामा तो बच्चा है अभी। तुम्हें कैसे पता भौजी? एक उड़ती चिड़िया बता गई थी। ए रामा, इसके साथ क्या खेलता है? अपनी लुगाई के साथ खेलना। मेरी पत्नी जी भी मेरे साथ खेलेगी? हाँ पत्नी जी मेरे साथ खेलो ना। क्या कर रहे हो रामा, छोड़ो। खेलेंगे ना, चलो। रामा हाथ छोड़ो ना मेरा। ओहो, पति का नाम शहरी चिड़िया है ना। हम पत्नी जी चलो ना, पत्नी चलो ना खेलें, पत्नी चलो ना उठो ना। पत्नी पानी में गिर गए, पत्नी पानी में गिर गए, पत्नी पानी में गिर गए, पत्नी पानी में गिर गए। सुनिए 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 भाजी, इतना नाराज होने का जरूरत नहीं है, घर छोड़ के मत जाओ भाजी। आजा बेटा, तुम्हारे पापा भी। पापा जल्दी कीजिए ना, ट्रेन छूट जाएगी। अरे तो क्या हुआ, दूसरा ट्रेन आ जाएगा। यू जस्ट शट अप, ओके? अंजलि बेटे, समझने की कोशिश करो, इस तरह रिश्ते तोड़े नहीं जाते। मेरी बेटी ने सब सोच लिया है, वो इस घर से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, वो बस तलाक चाहती है इस लड़के से। नहीं नहीं समधन जी, ऐसा मत कहिए, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हुई है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ बहुरानी। बहुरानी बेटी सब चाल, अ बिग ट्रैप ऑफ वर्ड्स, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। बाप ने बेटी कहकर एक पागल के पल्ले बांध दिया, और अब आप सास बहुरानी बहुरानी कहकर उस पागल के पीछे जिंदगी गुजारने को कह रही है। पागल? नहीं नहीं, मेरा बेटा पागल नहीं है, वो भोला है, नादान है, गांव में पला बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा नासमझ है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। ग्रेट माजी, ग्रेट, सिंपली ग्रेट, वाह वर्ल्ड परफॉर्मेंस। आपको तो मार्केटिंग में होना चाहिए था, अपनी सड़ी गली चीज खूब ऊंचे दामों में बेची आपने, अपने पति की कुर्बानियों का वास्ता देकर। ग्रेट माजी, सिंपली ग्रेट। बस करो अंजलि, बस करो। अभी बस कहा पापा, अभी इन महाशय का हालचाल तो पूछा ही नहीं है, जो अपने दोस्त की झूठी तारीफें करता थकता नहीं है। बेरोजगारी के तालाब में नौकरी नाम की मछली को पकड़ना बड़े दमखम का काम है, यही कहा था ना आपने श्रीमान रंगीले राजा जी? जरा अपने दोस्त से ये तो पूछेगा, उसे पता है नौकरी शब्द के मायने? अरे बेटी क्यों इन फ्रॉड लोगों के मुंह लग रही है, चलो अपनी ट्रेन छूट जाएगी। विक्रम, आई लव यू। जाने सॉरी लेट हो गए। अरे ऐसा भी होता है। कमबख्त कहाँ से आ गया इस वक्त? हेलो विक्रम, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि तुम कब आई ससुराल से? कल ही विक्रम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जल्दी चले आओ। ठीक है मैं अभी आता हूँ। अब तो तुम्हें पता चला विक्रम, मेरे साथ कितना बड़ा मजाक हुआ है, लेकिन मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को माफ नहीं करूंगी। अरे भूल जाओ अंजलि, भूल जाओ, अभी तो तुम जवान हो, खूबसूरत हो, पैसे वाली लड़की हो, उस लल्लू को तो तुम कभी भी तलाक देकर दूसरी शादी कर सकती हो। ये सब कुछ इतना आसान है विक्रम? अंजलि जितना मैं कह रहा हूं ना उससे भी कहीं ज्यादा आसान है। मैं आज ही किसी वकील के पास जाकर उस लल्लू के नाम तलाक के पेपर भेज दूंगा, आज नहीं अंजलि कल। कल? आज कोई खास बात, कोई डेट वेट? हमको कौन डेट देगा अंजलि, हमें क्या है, जो कोई हसीना हमें चाहे, जज्बात है,
जज्बात में क्या रखा है अंजलि? बहुत गहरी चोट खाई लगता है। नहीं अंजलि, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे अपना दुख शेयर करने के काबिल ही नहीं समझते हो तो अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं अंजलि, आज मुझे अपने घर में बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। आज? आज तुम्हारा बर्थडे है? Many happy returns of the day, Vikram. Thank you, Anjali. Thank you. देखो ये विश देकर काम नहीं चलेगा, आज तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। चलोगी ना? चलो ना। चलो। रामा भैया। क्या है? तुझे मालूम नहीं हम रूठे हुए हैं? क्यों रामा भैया? क्योंकि गांव के सारे लोग दोष हमारे में ही निकाल रहे हैं कि पत्नी जी हमारी वजह से गांव छोड़ के चले गई। आपके कारण? क्यों रामा भैया? क्योंकि हम में अकल नहीं है ना। ये अकल क्या होती है? वही जो भगवान देता है। तो चलो भगवान से अकल मांग लाते हैं। भगवान ऐसे ही थोड़ी अकल देता है, वो तो आदमी जब बच्चा होता है ना तब अकल देता है। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। फिर तो मेरी अकल ले लो। तुम्हारी क्यों? हाँ, हम तो पत्नी जी से अकल लेंगे, फिर हम भी पत्नी जी की तरह अक्लमंद हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, लेकिन सब मत लेना, आधी लेना। आधी क्यों? ताकि तुम्हारी और पत्नी जी की अकल बराबर रहे। हाँ ये ठीक है। माई कहाँ है? माई तो मंदिर गई है। जय राम जी की चाची। जय राम जी की। सुनने में आया है कि रामा की शहरी लुगाई उसे छोड़कर शहर चली गई। तो तेरे पेट में काहे दर्द उठ रहा है? शहर में कोई काम नहीं पड़ सकता है का? हाँ हाँ, पति ना समझो तो शहर में तीसरे दिन काम तो पड़ ही जाता है ना। बहुत सही कहा भाजी, बहुत सही कहा। अरे तुमने तो कितना समझाने का कोशिश किया लेकिन वो ससुर के नाती का समझ में नहीं आया। राम कसम, अगर हमको समझाते ना भौजी तो हम बहुत जल्दी समझ जाते। समझाओ ना भौजी, समझाओ ना, समझाओ ना, हमको समझाओ ना, समझाओ। देखा रंगीला बेटा, अब तो लोगों ने भी ताने देना शुरू कर दिया है। तुम चिंता नहीं करो मौसी, मैं हूं ना। अब तो लगता है भौजी से मिलाने रामा को शहर ले जाना ही पड़ेगा। आवा आवा, अरे बाप रे, मैया रे मैया, ये घर है कि कोई महाराजा का किला? इतना बड़ा वो कांस तो देखो। अरे बाप रे, अरे वाह रे वाह, अरे इतना बड़ा घर तो हम पहली बार देख रहे हैं। रंगीला भैया ये देखो। अरे अरे तुम तो उछल रहे हो, हम भी देखे उछल के। एक मिनट, अरे बाप गिर गए, अरे हम तो गिर गए भाई। अरे रामा हम तो गिर गए। कौन है, कौन छिल कूद मचा रहा है? अरे आप? अरे भौजी हम हैं। पत्नी जी आ गई। आप लोग यहाँ क्यों आए? वो कहा है भौजी के हम सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हूँ मैं। Why don't you understand? ना मैं किसी की पत्नी हूँ और ना बहू और ना भौजी। कितने बेशरम है ये लोग। अरे इतनी इंसल्ट हुई इन लोगों की, फिर भी मुंह उठाए चले आए। अंजलि बेटे समझने की कोशिश करो, इस तरह बिना सोचे समझे रिश्ते तोड़े नहीं जाते। पापा प्लीज आप चुप रहिए, क्या सही क्या गलत आप मुझे मत समझाइए। आपको तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी सो आप कर चुके हैं। और आप प्लीज अभी के अभी इनको यहाँ से लेकर जाइए, अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इनसे शादी की है तो सब मेरे पे हंसेंगे। अब लोग हंसेंगे? अरे शादी आपने अपने लिए किया था कि लोगों के लिए? की तो अपने लिए थी, पर मुझे क्या पता था कि एक अनपढ़ और गवार मेरे गले पड़ जाएगा। मुद्दा फिर वही का वही है भौजी, असल बात ये नहीं है अनपढ़ गवार देहाती का, असल बात है कि लोग क्या सोचेंगे। एक बात बताइए भाजी, आपका इस शहर में कितना ऐसा स्कूल मास्टर, कितना ऐसा डॉक्टर होंगे जिन्होंने अनपढ़ गवार औरत से शादी किया? तो क्या समाज उन औरतों को इज्जत नहीं देता? अरे समाज औरत को इज्जत देता है उसका शादी के बाद। वो मास्टर नहीं कहलाता है, डॉक्टर नहीं कहलाता है। अरे अनपढ़ पत्नी को जब इतना रुतबा मिल सकता है तो एक अनपढ़ पति को कहे नहीं मिल सकता? अब वो जमाना नहीं रहा है, जमाना बदल चुका है। और बदलता हुआ ये जमाना हम देहातियों को ये बताना भूल गवा कि इस शहर मां फेरे डिग्रियां लेत है और सिंदूर नौकरियां भरत है। अरे हमको ये बात पहले से मालूम नहीं था,
नहीं तो हम अपना रामा का शादी इस शहर में कभी नहीं करते। हम देहाती लोग तो सिर्फ इतना बात जानत हैं कि शादी लड़का और लड़की का होत और वो नीली छतरी वाला ऊपर से तय करके भेजत है और हम देहाती लोग उसका हर फैसला को सर झुका के मानत हैं और जिंदगी भर निभात हैं। चलो रामा। क्यों? इस नए दौर की शहरी आबो हवा शायद हमरे फेफड़े को रास नहीं आए। आपके फेफड़ों को हवा रास आए या ना आए, हमें तो आ गई है। हम तो यहीं रहेंगे। हमें तो माई ने कहा था पत्नी जी के साथ ही रहना, हम तो उनके साथ ही रहेंगे। क्यों पत्नी जी? पत्नी जी हम आपके साथ रहेंगे, हम गांव नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे पत्नी जी। ठीक है रामा, तुम मेरे साथ रहोगी। पत्नी जी अब मेरी उंगलियां दर्द कर रही हैं, मुझसे नहीं लिखा जाता। मैं सब जानती हूँ आपकी बहानेबाजियां। अब आप लिखो A for apple। लिखते क्यों नहीं? एप्पल कोई लिखने की चीज थोड़ी होती है, वो तो खाने की चीज होती है। मुझे एप्पल खाने को दो ना, मुझे भूख लगी है। आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप नहीं लिखेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, रात का खाना भी नहीं मिलेगा। आप अच्छी पत्नी जी नहीं है, आप अच्छी नहीं है, आप अच्छी पत्नी जी नहीं है, आप अच्छी पत्नी जी नहीं है। अरे अंजलि अब दे दो पति जी को खाना, पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं। हाँ यार क्यों बेकार में भैंस के आगे बीन बजा रही हो? Will you shut up both of you? Hey, shut up, shut up। देख अंजलि हम दोनों तो शराब हो जाएंगे, पर तूने यार हमारे साथ अच्छा नहीं किया। एक तो चुपचाप शादी कर ली, हमें शादी पर भी नहीं बुलाया, और दूसरा? दूसरा क्या? दूसरा पागलों का स्कूल खोला, मुहूर्त भी हो गया, कब हुआ कैसे हुआ पता ही नहीं चला। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना 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 ए चल चल अपने को जाने को कह रही है, वरना वो क्या करेगी पता है? क्या? इस पागल पति को छू करके हमारे पीछे दौड़ा देगी। यू शट अप, ये पागल नहीं है। ये पागल नहीं है। Please don't laugh, ये पागल नहीं है। पत्नी जी, पत्नी जी, हमारे कारण आपकी सहेलियों ने आपका मजाक उड़ाया है ना, अब हम आपका और मजाक उड़ाने नहीं देंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप जितना पढ़ाएंगी हम उतना ही पढ़ेंगे। पत्नी जी आप रोइए मत, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए पत्नी जी, रोइए मत, नहीं तो हम भी रोने लगेंगे। ओ पत्नी जी मान गई, पत्नी जी मान गई, पत्नी जी मान गई, पत्नी जी मान गई, पत्नी जी। जय हो प्रभु। प्रभु रंगीला शहर से खबर लाया है कि बहू रानी ने रामा को अपने साथ रखने की हामी भर ली है। प्रभु आप रामा को इतनी बुद्धि दे दो कि वो गृहस्थी के फर्ज अच्छे से निभा सके। गृहस्थी के फर्ज समझ रहे हो ना? बस प्रभु मैं ज्यादा विस्तार से ना समझा सकूं, बस इतना समझ लो कि मुझे पोता देखने की इच्छा है, तो मुझे जल्दी से पोते का मुंह दिखा दो। ओफो ऐसे नहीं, लाओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इसे यहाँ, ये ऐसे लगाया, देखो ऐसे लगता है। अरे आपने तो हमें एकदम से शहरी साहब बना दिया पत्नी जी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारी पत्नी जी तुम्हें क्या से क्या बनाती है मेरे ही मान। आपकी यही बात हमें अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे तुम्हें सब अच्छी लगने लगेंगी। अच्छा मैं अभी आती हूँ नहा के, तुम यही रुकना। रामा क्या है पत्नी जी? अरे अभी तक नहाई नहीं। अभी साबुन लगा रही हूँ। क्यों हाथ नहीं जा रहा आपका? नहीं पीठ पे हाथ नहीं जा रहा। मैं लगा दूँ साबुन? आप लगाएंगे? हाँ हमने गांव की बहुत सारी लड़कियों को साबुन लगाया है पीठ पे। क्या है इसमें कौन सी बड़ी बात है? जितनी भी हमारे गांव की लड़कियां नदी पे नहाती थी उनकी पीठ पर हम ही तो साबुन लगाते थे। आपको क्या कुछ होता नहीं था? होता था ना, मेरे हाथ दुख जाते थे। आप बहुत भोले हैं। अरे अरे आपकी यही बातें हमें अच्छी नहीं लगती। अरे
बस रामा, बस बस रामा, मैं थक गई, अब मैं और नहीं खेल सकती, बस रामा। ऐसे कैसे थक गई, अब तुमको मेरी बारी देनी पड़ेगी। चल घोड़ी बन, मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा। समझाइए ना मम्मी। मम्मी मत कहो ना। हाँ, पापा। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, मेरी बारी है। एटम, क्यों अंजलि को परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है परेशान? चल बाहर चल, गुल्ली डंडा खेल। अंजलि ये देखो, मैंने डाइवोर्स के पेपर तैयार कर लिए, इस पे सिग्नेचर कर दो और इस आइटम से छुटकारा पा लो। बेटी, क्या तू रामा से तलाक ले रही है? नहीं मम्मी, विक्रम मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या कह रही हो अंजलि, क्या तुम सारी जिंदगी इस आइटम के साथ? प्लीज विक्रम, माइंड योर लैंग्वेज, ये जैसे भी है मेरे पति है, और आइंदा से तुम इनकी शान में कोई गुस्ताखी मत करना। अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ, ये जैसे भी है मैं सुखी हूँ इनके साथ। सुखी हो? सुखी हो? क्या बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा, है? ये आदमी जिसके साथ तुम आज तक सुहागरात नहीं मना सकी, उसके साथ सुखी हो? विक्रम, get out from here, get out। जाता हूँ। अरे खोपड़ी भैया, तोहार बात सुन के तो हमके ऐसा लागत है कि तोहरे साहब के न तो दिमागी बीमारी है और न जिस्मानी बीमारी है। तो हम तोहार बात का ही मतलब निकालें कि हमार साहब का जो बीमारी है वो तोहार पनवा से ठीक नहीं होगा। अरे खोपड़ी भैया, हमरे चकाचक पान में न ए मरज का इलाज है और न कौनो मरज का इलाज है। अरे का है उल्लू बनावत हो भैया, अरे तनिक जाकर हमार घर में देखो, अरे तोहर भोजन का खुशी से उछल रही है। अरे भैया, ये हमरे पान का चमत्कार नहीं है, अरे ये चमत्कार है तोहरे शरीर के अंदर, तोहरे आत्मा के अंदर छुपा विश्वास का। विश्वास सबसे बड़ी चीज है भैया, वो विश्वास जे के हम पान में लगा के लोगन के देत है। अच्छा, तो हमरे अंदर विश्वास की कमी रही है। तो खिलावन भैया, हाँ? हमरे साहब के अंदर भी कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी। हाँ, याद आवा। काली 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 काली, रुक जा, प्लीज प्लीज रुक जा। हाँ? काली काली, तुझे मेरी कसम है, रुक जा। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, क्या क्या अच्छा नहीं होगा? अभी तो मैं सिर्फ घर छोड़ के मायके जा रही हूँ, अगर तुम इसी तरह जोर जबरदस्ती करते रहे ना तो क्या? तो मैं रेल के नीचे कट के अपनी जान दे दूंगी। हाँ, तो तू भी सुन ले और दोनों कान खोल के सुन ले, अगर तूने यहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो दूसरे कदम पे तू मेरा मरा मुंह देखेगी। ये बात है? यही बात है। तो ठीक है, मैं यही धरना दे दूंगी और यही भूखे प्यासे रहकर अपनी जान भी दे दूंगी, पर तुम्हारी बात मानकर किसी पराया मर्द के सामने अपने प्यार की नुमाइश नहीं करूंगी। पराया मर्द? ये तूने क्या रट लगा रखी है काली? अरे हमारे रामा भैया तो मासूम बच्चे जैसे हैं। हाँ, है तो बच्चे जैसे, पर कुछ नहीं काली, अब वक्त आ गया है कि अपने मालिक के खाए हुए नमक का हम हक अदा करें। पर कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। और रास्ता नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मेम साहब ने कोशिश नहीं की होगी? यही तो मैं कह रही हूँ, जब मेम साहब के कोशिश करने से कुछ नहीं हुआ तो हमारे करने से क्या होगा? अरे काली, थोड़ी देर के लिए सोच ले कि तू मैम साहब की जगह है और हम साहब की जगह, बिल्कुल वैसे ही भोले भाले, तो तुम क्या कोशिश नहीं करती मुझे पूरा गृहस्थ बनाने की? बोलो काली, बोलो, नहीं करती कोशिश? हटो जी, मुझे तो शर्म आती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि शादी के इतने सालों के बाद भी तुम्हें सोचते हुए भी शर्म आती है, सोचो भला क्यों? क्यों? क्योंकि तुम एक भारतीय नारी हो, वैसे जैसे मैम साहब। पर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा कहने का मतलब है कि क्या मैम साहब कोशिश नहीं करती होगी? करती होगी, बहुत कोशिश करती होगी, पर कितनी? उतनी जितनी एक भारतीय पत्नी कर सकती है। रामा भैया से वो कितना प्यार करती है, मगर उनके मन में चाहे जितनी प्यार करने की इच्छा हो, जो कि सृष्टि का नियम है और हर भारतीय पत्नी का हक है, लेकिन मान मर्यादा की बेड़ियां उनके पांव रोक लेती होंगी और यही बात हमारे साहब नहीं समझ पाते होंगे। समझ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? भारतीय नारी की एक मर्यादा होती है, तो उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। ओ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जहाँ तक आकर मेम साहब शर्म के मारे रुक जाती है, उसे आगे कहाँ मेम साहब को समझाना है? हाँ,
अब बात आई तेरी खोपड़िया में। खोपड़िया में तो बात आ गई, लेकिन तुम भी एक बात खोपड़िया में डाल लो। का? कि हमारी भी कोई मर्यादा है। हाँ अरे तुम चिंता नहीं करो महारानी, तुम बस ड्रामा की तैयारी करो, हम अभी जाके साहब को बुला के लाता हूँ। हे भगवान जी, बस हमारे रामा भैया का और मेम साहब का मिलन कराई दो। कहाँ है वो बिल्ली? आज मैं बिल्ली मारूंगा। क्या कहा बेटा, तू बिल्ली मारेगा? अजी सुना तुमने? बेटे तुम्हारी बिल्ली ऊपर है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू मम्मी। मम्मी मत कहो ना। अरे मम्मी मत कहो कि बच्ची ज्यादा अदा मत दिखा, आज इसके राधे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। चुप बेटे, जाओ जाओ, तुम्हारी बिल्ली ऊपर इंतजार कर रही है, जाओ 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 जाओ। अरे यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ तुम्हारी बिल्ली, जाओ। शाबाश बिल्ली, किधर है तू? आज मैं तुझे मारूंगा। अजी सुनो, चलो कमरे में चलते। क्यों? आज हम भी बिल्ली मारेंगे। इस उम्र में तुम बिल्ली मारोगे? अजी कोशिश तो करते हैं। मरी मरी नहीं मरी, नहीं मरी है? ए बिल्ली बिल्ली, चल इधर। अरे आपने शराब? बड़ी गोरी लग रही है। चल चल चल, मेरी टांग दबा। कमाल है, तुझे मालूम आज मुझे बिल्ली मारनी है? ये क्या पहन रखा है कबाट? चल चल, मस्त मस्त मसाला पहन गया। आप बिल्ली मारोगे? आप क्यों नहीं मारेंगे? खोपड़ी से पूरी ट्रेनिंग लेके आए हैं। चल जा। जी अभी आई। अपने जैसा हुआ हुआ। मैं मत 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 डाक चिक डाक चिक डाक चिक डाक बस। उठो ना, बिल्ली मरने को तैयार है। ए जी उठो ना, बिल्ली मारो ना। सोने दो ना। मारो ना बिल्ली। अबे जा यार, उसने तेरे को जाने को बोला और तू कुत्ते के माफिक दुम दबा के चला गया। वॉइस क्या जो तूने कहा था, कुत्ते के माफिक दुम अंदर रखने का, टेढ़ा बन के पेड़ा खाने का। अबे झींगे, जब येड़ा बन के पेड़ा ना मिले ना तो टेढ़ा बन जाने का। क्या टेढ़ा बन जाने का? बाप अपन को अब टेढ़ा होने पड़ेगा, पर टेढ़ा होके होगा क्या है? अपन तो सब हथियार आजमा चुका है। अरे अभी सब हथियार कहाँ आजमाए है मुन्ना, ये टाइपराइटर किस दिन काम आएगा? पिस्टल बाप तेरे पास कहाँ से आई? वो क्या है ना, जब कल्ला लल्ला का गेम करके भाग रहा था ना तो पुलिस को देख के डर गया, और डर के मारे उसने रिवॉल्वर मेरे कटोरे में डाल दिया। ये भी तेरे को फोकट में मिल गया? हाँ जैसे तू मिला है। चल नीचे आ और कान खोल के सुन, इसे पकड़ और उस फिल्म वाले के लौंडिया का घपला कर डाल। उसको बोल ये 25 लाख रुपए देगा तो लौंडिया उसे दे देंगे। ये ले। ए, चलना आता ना। क्या बाप, सचिन तेंदुलकर के हाथ में बैट देकर पूछता कि खेलना आता है, पर बाप पुलिस का कोई चक्कर तो नहीं पड़ेगा? अबे इसके पहले कोई चक्कर होगा ना, अपन रफू चक्कर हो जाएंगे, सीधा हरिद्वार जाएंगे, वहां हर की पौड़ी पे बैठकर ठंडी ठंडी हवा में भीख मांगेंगे, ऐश करेंगे भाई। हर की पौड़ी में भीख मांगेंगे? हां इतना बड़ा छप्पर करके? अबे तू धंधे पे जाना, चल जा और लौंडिया को लेकर आना। हां हां तुम डरना मत, पापा की फिल्म में डरने वाली नहीं, हंसने वाली, सिर्फ हंसने वाली। हम थोड़ी डरने वाले लगे, उसमें कोई भूत थोड़ी होते हैं। भूत ही तो होते हैं उसमें। ओ भूत, ओ, 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 पत्नी जी मेरा गला। एक मिनट जरा रुको। ए फुत्री विक्रम, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम विक्रम?
जाती बात नहीं करने का क्या? जाती बात नहीं करने का, वरना तुम्हारी खोपड़ी की झोपड़ी में खिड़की बना दूंगा क्या? पत्नी जी, पत्नी के पति, पहले गांठ बांधना सीख, गांठ बांधना समझे? चल विक्रम, ये क्या बेहूदगी है? छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो। छोड़ दूंगा, जरूर छोड़ दूंगा, पहले खर्चा और ब्याज के साथ। कैसा खर्चा, कैसा ब्याज? अरे वही खर्चा जो भिखारी ने मेरे ऊपर किया था, मेरा स्टाइल बदलने का, आप उनका क्या है? ताकि मैं तेरी लोंडिया को सेट कर सकूं, इससे शादी बना सकूं, है? लेकिन सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया तूने, इसकी शादी इस लल्लू के साथ करके। तो ये है तुम्हारा असली रूप? अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, मोबाइल लगाओ ना पुलिस को। अभी पुलिस के दो डंडे पड़ेंगे ना तो सारे होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। ए, रख 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 इसे। तू जानता है ये नकली पिस्तौल नहीं है, साला इसका घोड़ा दबाऊंगा ना गोली चलेगी, तेरा दिमाग भरा जाएगा क्या है? विक्रम तुम इतने नीच और कमीने हो सकते हो, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। ए, पटा पटा बंद कर, बंद कर पटा पटा, और मेरी बात ध्यान से सुन। आज किसी भी हालत में 25 लाख रुपया इस लल्लू के हाथ, इस लल्लू के हाथ ना भेज देना, ठीक है? नहीं तो तेरी लोंडिया है ना, लोंडिया, इसका मैं गेम बजर डालूंगा, समझा? कोई चलाकी मत करना, समझा? पापा, चल निकल, निकल बाहर, बहुत बनती थी, चल। ये हुई ना बात, अब बनेगा इसका बाप करोड़पति से रोडपति। अपना बरसों पहले लिया हुआ कसम पूरा होएगा आज। ये बात अपने पल्ले नहीं पड़ी बाप। तेरे को तो पल्ले ये बात भी पड़ी नहीं होगी। क्या कहा मुंबई का करोड़पति को छोड़कर अपुन इस फुंतरी का बाप का पीछे काय को पड़ा है? बाप, अपुन तो ये बात सोचा ही नहीं। इसका बाप रोज महालक्ष्मी के मंदिर में भगवान के दर्शन करने को जाता था। अपुन ने बहुत हाथों में पट्टियां बांध बांध के उससे भीख मांगी, सुसरे ने एक बार भी फूटी कौड़ी नहीं दी अपुन को। एक दिन उस शाना ने अपुन को भीख देना तो बहुत दूर की बात रही, पुलिस को बुलवाकर अपुन को अंदर करवा डाला। साला अपुन जेल में 6 महीना सड़ता रहा, 6 महीना जेल में साला, सारा भिखारी जमात में अपुन का लंबा लाख जो है ना साला कट गया। उस दिन अपुन ने कसम खाया, फैसला किया कि उस साले को ऐसी जगह पे लाके मारेगा कि साला चिंच पोखली का विधवा आश्रम में भीख मांगता नजर आएगा वो। मैं तो कहता हूँ हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि इन गुंडे मवालियों का कोई भरोसा नहीं होता। अरे क्या कह रहे हैं आप, पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं अपनी बेटी की जान नहीं गंवाना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ उस कमीने विक्रम को रुपया भेज दो इस रामा के हाथ। इसके हाथ? अरे 25 लाख रुपए लेके जाने की समझ रखता है ये आदमी? कोई रास्ते में छीन लेगा तो क्या होगा? हाँ हाँ, रास्ते में कोई कैसे छीन लेगा, मैं लेके जाऊंगा तभी तो कोई छीनेगा ना। तो तुम रुपया नहीं ले जाओगे? मुझे अपनी जान नहीं गंवानी उसके पास जाकर, उसके पास बंदूक है बंदूक। हे भगवान, मैंने जल्दबाजी में कैसे आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी, अब क्या होगा मेरी बेटी का? साहब आप हिम्मत मत हारिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। भैया, रामा भैया। अरे हमारी बहना मुनिया, तू कैसी है? रामा भैया, पत्नी जी कहाँ है? पता है चुटकी, अभी ना पत्नी जी को ना वो उठा के ले गए। कौन ले गया मेरी बहू को, कहाँ ले गया? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, सब लोग चुप क्यों हैं? भाई साहब आप ही बताइए आखिर बात क्या है। बहन जी ये कोई नई बात नहीं है, ये बात तो हम फिल्म वालों के साथ अक्सर होती रहती है। मेहनत मशक्कत हम लोग करते हैं और हमारी मेहनत मशक्कत की कमाई कोई ले उठता है, कभी हमें जान से मारकर और कभी हमारे किसी अपने को जान से मारने की धमकी देकर, और इस बार तो इन धमकियों की शिकार मेरी अपनी बेटी अंजलि हुई है। मतलब बहू को अगवा? गोदावरी बहन जी आप चिंता मत कीजिए, हमने रुपयों का इंतजाम कर लिया है। उस कमीने विक्रम ने तो रामा के हाथ रुपया भेजने को कहा है, पर माई हम पैसा लेके नहीं जाएगा, हमें उससे डर लगता है। क्या बोला? तुमको डर लग रहा है, है? तुम्हारा बीवी का उधर इज्जत लूटने वाला है और तुमको डर लग रहा है? रंगील भैया गला गांठ, अरे तोहरी अकल का गांठ तो हम खोलने वाले हैं और देखा था कैसे नहीं जाता। चल चल, डर लग रहा है? इतना हट्टा कट्टा आदमी और डर लगा था। चलो
चले तुम्हारे साथ? नहीं रंगीला भैया, हम अकेले जाएंगे। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपकी बहू को सही सलामत वापस ला सकूं। मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है बेटा, जा। बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, दाता के नाम पे दे दे, अरे किसी के नाम पे दे दे, लेकिन दे दे। माफ करना बाबा, मेरे पास छुट्टा नहीं है, नोट है, नोट। 25 लाख। हाँ आपको कैसे मालूम इसमें 25 लाख है? वो जो ऊपर जहाज जा रहा है ना, वो जहाज, उसमें कितने पैसेंजर है ना, वो भी अपन जानता है। तो इस ब्रीफ केस में कितने नोट है वो भी जानता है। दे 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 दे, अरे दे, तेरी है, दे। छोड़ना मत इसे। आज मुझसे कोई नहीं बच पाएगा, अंजलि मेरी है, मेरी रहेगी, इसमें तो गोली नहीं। अंजलि बैग लेके भाग जाओ। मुश्किल काम है, अल्लाह के नाम पे दे दे, भला के नाम पे दे दे, तू जिस घर में जाएगी उस बन जाएगा, अकाल के दिनों में तेरे घर में राशन की बोरियां होंगी, सूखा पड़ेगा, तेरे घर पे बरसात होगी, अरे तेरा पति तुझे इतना प्यार करेगा कि तुझे घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं देगा। अब बोल इससे बड़ी दुआएं क्या दूं, बैग दे दे। अच्छा नहीं देती क्या करेगा? याद रखना कीड़े पड़ेंगे कीड़े, अनाज के एक एक दाने के लिए तरसेगी तू। कहाँ रहती है? परेल में। तो ठीक है, पूरे मुंबई में बरसात होगी लेकिन परेल में पानी नहीं बरसेगा, म्युनिसिपैलिटी का नल भी बंद हो जाएगा। और याद रखना अगर जब भी तू अपने पति के पास प्यार करने को जाएगी ना, तो उस साले को पीलिया हो जाएगा, पीलिया, सब कुछ हो जाएगा उसका। क्या करिए? अरे तुझे भी भिखारी बना देंगे। अबे भूती के मर खाके गिर गया, अबे उठ उठ उठ, मैं कहता हूँ उठ। लानत है। किस पे? तुझ पे। क्यों? क्योंकि खराब तेरी दानत है, लगता है ये लोग अपने कटोरे में नहीं आने वाले। पतली गली पकड़ और निकल पड़, लंबा हाथ बाद में मारेंगे। उठ उठ।
चल चल निकल निकल ले। आपने कहा? पुलिस बाप पिस्टल दी थी, गोलियां नहीं दी। अबे भीख में पिस्तौल मिली थी, गोलियां थोड़ी मिली थी। अब चल जेल में भीख मांगेंगे, चल। पत्नी जी आ गई, पत्नी जी आ गई। कह रहे ना, रामा जरूर भौजी को लेके आएगा। मम्मी, मेरा बच्चा। चुटकी, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी है। तो फिर मेरी क्या है? तुम्हारी भाभी। भाभी। भगवान जी, नीम की दातुन से दांतों को चमकाई के लड्डू खाई के वास्ते तैयार हो जाओ। अब की पूरे 11:15 के लड्डू चढ़ाऊंगी। चल ना। कहाँ? ये चल ना। नहीं। चल। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? गृहस्थी का सबसे जरूरी फर्ज पूरा करने के लिए। मम्मी जी। अब मम्मी मत कहो, किरण छोड़ो और नानी बनने की सोचो। नानी मत कहो ना। कुछ कह रही ये रात है साजना, मैं की हुई ये रात है साजना। क्या था? अरे मौसी, तुहार बिटवा जवान हुई गवा।